कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज है कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का छठवां दिन। तो हम कथा में जा रहे हैं, आप सभी लोग हमारे साथ चलिए और ब्लॉग में बने रहिए और आप भी आनंद लीजिए कथा का। वहाँ पे काफ़ी ज्ञान मिल रहा है व्यास जी के द्वारा और काफ़ी सुंदर भजन हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है हम लोगों को वहाँ पे ये सुनकर। तो आप लोग भी मेरे ब्लॉग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ। और ये देखिए गाइस, दिन का व्यू, वहाँ पे कितने मोटे बादल आ चुके हैं और देखिए इधर कितना आसमान साफ है। सो गाइस चलिए चलते हैं हम। सो गाइस हम दोनों भी जा रहे हैं भागवत कथा सुनने के लिए, तो चलिए आप हमारे साथ। दस बारह नाती नाती जितना खूब बड़ा पूरा उस मान का परिवार है, उसका का परिवार है, वो हमारे दरबार में अकेले घर पर है। सुंदर स्तुति की बोले प्रभो, न्यायो हि दंडाकिरकुवितेस्मिन् अवावतारकलनिग्रहाय। जमनाथ पत्नियों ने सुना भगवान कह रहे हैं कि तुम में जो जहर है उससे मुझे हमारी भूली भाली जनता को तकलीफ होती है। नाग पत्नियों ने बड़ा स्पष्ट और बड़ा सुंदर जवाब भगवान के दिया, हम में अगर जहर है तो इसमें दोष हमारा क्या है। भगवान हमारा इसमें क्या दोष है, हमारा कोई दोष नहीं है भगवान। भगवान ने कहा ठीक है देवी, दोष तुम्हारा हो या नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ तुम जो है यहाँ से इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाओ। अगर तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाते तो मुझे मजबूरी वश तुम्हें जो है मारना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि तुमसे मेरी भूली वाली जनता का बड़ी द्वारा भगवान को वो भूमि दान दी गई जहाँ पर नाग वास करते हैं, इसलिए आज भी वहाँ पर भगवान कृष्ण को नागों के संग में पूजा जाता है। बोलिए सेव नागराज भगवान की, बोलिए डाडा नागराज भगवान की। आज भी वहाँ पर भगवान कृष्ण की नागों के संग से भाव की पूजा होती है। पुनः भगवान जब उन्हें वापिस छोड़कर आएंगे नवन धाम माहु प्रभु यही बजे पाहुरी मेरा प्रभु, नवन धाम माहु बजे पाहुरी मेरा प्रभु, नवन धाम बजे पाहुरी मेरा प्रभु, नवन मधुरमयी
मुरली इतनी सुंदर थी सर कि जैसे ही माताओं ने गायों ने कर ही रहा हूं तो एक लीला मुझे और करनी चाहिए क्या। मैंने कई बार इन लोगों को समझा दिया, कई बार बोल दिया मैंने इन गोपियों को कि गोपियां यदि जीवन जीना है, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे अनुसार जीवन चलाना पड़ेगा। भाव से बोलो भगवान की प्राप्ति तब होगी सज्जनों जब हम जीवन को ढंग से जीना सीखे। और भागवत यदि कोई सच्चा प्रसाद हमें देती है ना तो भागवत हमें प्रसाद देती है, जीवन को जीने का ढंग सिखला देती है भागवत। आप यदि नाराज ना हो, हम भले पार्वती को मैं छजे घर पर माँ पार्वती जन्म मिली वे दो माफना और वे कबार फिर जम्मू में मजे सुरन को चले गए पुंच सेक्टर का पास है पुंच से मस्के से छह किलोमीटर पर थे तो क्या बैठ जाते ना आधा पर जाने ना कुछ ही उनका घर वो नहीं बन पड़ता ऐ जाने ना सब से गड़बड़ी ठीक ठाक समझे मैं बहुत प्रयास समझता हूँ समझे ना जी सब मना कर दिया महाराज भगवान को ना बेटा कभी दर्शन तो नहीं दिए तो भगवान ने बोले आज मैं आपने ना भगवान से मिलूंगा जो भगवान आपका आपके दर्शन भी दे लूं और आपसे मांग मांगे मैं भोजन भी करूं मान। बड़ी प्रसन्नता हो गई आपने कि जब स्वयं भगवान आपका सामने खड़े हुए थे और आपसे मांग मांगे थे भोजन का भोजन को भगवान से प्रकार के व्यंजन पकड़े हैं पुरचन है खीर मोहना खीर सा और पूर्वी खीर खजरा जलेबी कलाकंद बालू शाही है मोहन थार मेवा बाटी मठरी मैसूर पाक पेड़ा रसगुल्ला सन रबड़ी सुहाई है भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है मधुप श्याम नंद बाबा यशोदब सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। चले सभी लोग मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरे बंदवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरे बंदवा नहीं माने मेरे बंदवा छड़ी के सारे देख तूने पूरा पर्वत उठा दिया भगवान ने कहा थोड़ा दिखाओ भगवान ने जैसे थोड़ा नीचे क्या तर 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 करके सारे और उनकी जो भी लकड़ियां थी सब सूख गई ओ कन्हैया नहीं 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 रोक 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 कन्हैया इतना बल तेरे पास कहां से आया रे। भगवान ने कहा कछु माखन को बल बढ़ियो कछु गोपन करी सहा सब आपकी कृपा है कच्छ माखन का बल बड़ा कुछ गोपियों ने ग्वालों ने सखाओं ने मेरी सहायता की और ये राधा रानी की कृपा है जिन्होंने मेरी रात को जो उठा दी चारों तरफ से जो शेषनाग ने भी आसन लगा लिया महाराज कोई जल भीतर नहीं आया और एक कोने पर जो है भगवान का सुदर्शन चक्र पानी सूख रहा है और एक कोने पर अगस्त्य मुनि पानी पी रही है। बोले भाव से भक्त भगवान
और उस रात्रि में भगवान ने यमुना जी के तट पर अपनी बड़ी मधुरमयी मुरली की छिड़ी सवारा। सुंदर वो अपनी मधुरमयी मुरली को बजाया। ध्यान देना, मुरली थी एक, बजाने वाला था एक, लेकिन उसकी धुन को जिसने सुना साफ सभी को लगा मानो भगवान हमें बुलाया। तो सारी गोपियां निसंगीतम कृष्ण गृहीत मानसा आजगुरन्यो निमिला चितोध्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। जिसने भी भगवान के एक गोपी तो महाराज पति को भोजन परोस रही थी, पति ने मांगा नमक और ये पकड़ा गई शक्कर और भाग निकली भगवान की। बोले भक्त वत्सल भगवान। एक पति ने जैसे देखा मेरी पत्नी कहीं जा रही है, कहाँ जा रही है देवी इस रात्रि में, पति ने क्या कर दिया बाहर से द्वार बंद कर दिया माता। जैसे ही द्वार बंद किया इसने सोचा कि मैं कैसे वहां पर जाऊंगी, अपना आत्मदाह करके सबसे पहले अपना आपने अनुसुईया जी की कथा सुनी होगी, बड़ी पतिव्रता नारी आई। और जब इसके पतिव्रत धर्म का वर्णन तीनों लोक में फैलने लगा तो माता लक्ष्मी सरस्वती शारदा सबको जो है बड़ी ईर्ष्या होने लगी। तो तीनों ने अपने अपने स्वामियों को भेजा स्पर्श कर सकते, अगर हमने इनका स्पर्श कर दिया तो निश्चित रूप में हमारा ध्यान किया, अपने पतिव्रत धर्म का भगवान का ध्यान किया। हे प्रभु अगर मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूँ तो आज जो है मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करना और मेरे घर से ये ब्राह्मण ये देवता भी जो है आज भूखों नहीं जाना चाहिए। तो भगवान की कृपा भी और सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म के आधार पर जो है सच्ची अनुसुईया ने तीन देवताओं को बालक रूप बना दिया। दो दो महीने के चार चार महीने के बच्चे बन गए तो इतनी बड़ी ताकत होती है। हो गई सा भाव से बोलो जय श्री कृष्ण। कितने साल गए
सारी के हो गए। वैकुंठ से सारे देवता राजस्थान यहाँ नहीं है बाबा, कब आओगे? तो नारद जी को भेजा, नारद जी जाओ कोई तो लीला करो। ग्यारह वर्ष की हो गई सा भाव से बोलो जय श्री कृष्ण। कितने साल के? ग्यारह साल के हो गए। वैकुंठ से सारे देवता राजस्थान यहाँ नहीं है बाबा, कब आओगे? तो नारद जी को भेजा, नारद जी जाओ कोई तो लीला करो। महाराज आपका जो काल है, मैंने कहा मेरी बात मानो, जितना विलंब करोगे आपके लिए ठीक है। आप एक काम करना, उसी निमंत्रण में कृष्ण और बलराम को भी देना, जब वो आएंगे तो चुपके से मार देना, काम हो जाएगा। आपने तो बोला था मैं वहां जाऊंगा और कंस को मार के तुरंत आऊंगा, कब आओगे भगवान? आपका काल तो बड़ा हो गया है बाबू से बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे त्रिवक्रा कहते हैं, मैं टेढ़ी हूँ, कमर मेरी टेढ़ी है, मुझे लोग त्रिवक्रा कहते हैं, और मेरे द्वारा घिसावा चंदन महाराज कंस को अति प्रिय है। मैं चंदन लगाने का काम करती हूँ महाराज कंस पर। भगवान ने कहा दीदी अगर आपकी इच्छा हो तो अंदर चंदन लगा दो। भक्ति में पहली भक्ति ने सुना है, पहली भक्ति ने देखा है, श्रुत्वा श्रवणम सुना है भगवान मैंने आपको, और जब से मैंने आपको सुना है मेरा मन चित्त बुद्धि सब कुछ आपके चरणों में चली गई। अब आप सोचोगे ये पत्र, और अगर भगवान ऐसा हुआ तो मैं आत्मदाह कर दूंगी, लेकिन किसी भी कीमत पर शिशुपाल का वर्ण नहीं करूंगी, मैं अपने जीवन को शांत कर दूंगी। भगवान पत्र में लिख रही है, फिर लिखा भगवान अंतःपुरांतर चरी मनि हत्या बंधु स्वामत्व एकतमिति प्रवदाम्युपाया पूर्वे दुरस्ति महति कुलदेवी यात्रा श्याम तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की।